मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू। करूं सजदा मैं दिल से कहूं, यीशु मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू, के भाई को तो खुदा ही बचा सकता है, फिर भी आप हिम्मत रखिए। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके भाई को कौन अच्छा कर सकता है। कौन? यीशु। वो कहां मिलेगा? चर्च में। वो यीशु को बुला दो, मुझे उनसे काम है। भाई, आपको यीशु से क्यों मिलना है? मेरा छोटा भाई काफी बीमार है, अब यीशु को ये पैसे दे दो और उनसे बोलो कि मेरे छोटे भाई को ठीक कर दे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आए बैठे। सिस्टर, मैं बहुत बोझ में हूँ। आपके लिए प्रभु यीशु का वचन ये बताता है, मत्ती 11 अध्याय उसका 28 से, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो यीशु आपके बोझ को हल्का करेंगे और आपके भाई को चंगा करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अब आप आराम से घर जाएं, यीशु के नाम में आपका भाई चंगा हो चुका है। बोझ मेरा सारा ले लिया, जिस वजह ने दोनों का
रोकते हैं।